सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का टेक इनसेन में। और आज के इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसा होगा अगर आप आपके कंप्यूटर को ऑन करते हैं और वो आपको वेलकम करता है। वेलकम है सर आपका आपके कंप्यूटर में, जार्विस की तरह। सुनने में कैसा इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि कैसा करना है, क्या करना है, ये सारी बातों को। अगर आप जानना चाहते हैं तो जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको पता चल सके अपने कंप्यूटर से वेलकम कैसे बुलाए। आप देख रहे हैं टेक इनसेन। सो गाइस, ये प्रोसेस जो है बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। आपको सिंपली मुझे फॉलो करना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं हमारे पीसी पर और देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे सब। सो गाइस, पीसी पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो है नोटपैड ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें कुछ लाइन लिखनी होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लाइन है, ये जो स्क्रिप्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। आप जो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे वेलकम टू योर पीसी सर, तो ये सर की जगह आप आपका नाम भी डाल सकते हैं या जो कोड आपको रखना है आप उसे भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी की लाइन है उसे आपको छेड़ना नहीं, एज ए टीज ऐसी की ऐसी रहने देना है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हमें जो इसे नाम देना है, तो हम यहाँ नाम देंगे वेलकम डॉट VBS। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि आपको यही नाम देना है, वेलकम डॉट VBS। उसके बाद डेस्कटॉप सिलेक्ट करके हमें इसे जो सेव कर लेना है। तो आप हम देखिए, तो हमारी ये जो फाइल है ये सेव हो गई है। तो इसके बाद जो है हमारा एक काम तो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है सेल सेमीकॉलन स्टार्टअप। ये टाइप करने के बाद सिंपली ओके कर दीजिए, फिर एक न्यू विंडो ओपन होगी। तब आपको क्या करना है, ये जो हमारी फाइल सेव हुई है डेस्कटॉप पे वेलकम की, हमें इसे इसमें मूव कर देना है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे जो है कैटेगरी के ऑप्शन पे आपको जाना है। वहाँ पे फिर हमें स्मॉल आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन ढूंढना है साउंड, साउंड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, एक विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको जो साउंड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो विंडोज़ डिफ़ॉल्ट है इसे आपको नो साउंड करना है। उसके बाद जो है फिर ये प्ले विंडोज स्टार्टअप साउंड, इसे भी अनचेक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, फिर ओके। फिर ये जो दोस्तों हमारी जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपली हो गई है। अब बस हमें चेक करना है कि हमें अपने कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करना है कि ये किस तरीके से हमारा वेलकम करता है। सो गाइस, अब हम इस पीसी को रिस्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा वेलकम साउंड हमें सुनने को मिलता है। Welcome to your PC, sir. So guys, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे आपका कंप्यूटर आपको वेलकम बोल सकता है। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशन या सुझाव है तो। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप टेक इंसेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।